अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube और Facebook फैमिली, वेलकम टू माय चैनल फूड्स बाय अनम। आज मैंने बनाया है आपके लिए सूजी का मज़ेदार और आसान सा हलवा। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, फिर हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक पैन में लिया आधा कप घी, देसी घी मैंने यहाँ लिया है, देसी घी में बनी हुई सूजी बहुत मज़े की होती है। सबसे पहले हम अपने ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो नट्स जो हैं आपने अपनी मर्ज़ी से डालने हैं, उनको पहले लाइट ब्राउन कर लेंगे। जो अपनी सूजी में डालने हैं हमारे जो हैं वो लाइट ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसे निकाल के साइड पे कर लेंगे। सेम उसी घी में हम 3 अदद इलायची डालेंगे पहले, साथ ही हम अपने 1.5 कप सूजी जो बना रहे हैं वो डालेंगे। इसे हम अच्छे से हिलाते जाएंगे पहले और इसे भूनेंगे लाइट ब्राउन होने तक। आप यहाँ जो आग है वो थोड़ी धीमी रखिएगा, हमारी सूजी जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गई है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो उन सभी कलर लेना चाहें उतने तक भून सकते हैं। हमारी ब्राउन होना शुरू हो गई है सूजी। जैसे ही सूजी ब्राउन होगी हम इसमें अपनी चीनी डालेंगे। यहाँ मैं 1.5 कप सूजी जो है वो बना रही हूँ, तो 1.5 कप सूजी में हम 1 कप जो है चीनी का डालेंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है। 1.5 कप चीनी डालनी है। चीनी डालते ही फौरन ही आपने उसमें पानी डाल देना है ताकि जो हमारी सूजी है वो और ज़्यादा जल ना जाए या ब्राउन ना हो जाए। यह मैंने 1 गिलास पानी डाला है, साइड से भी सही तरह से इसको हिला लेंगे हम। अपने नट्स डालने के बाद जो हमने ब्राउन किए थे लाइट, इसको ढक देंगे पानी खुश्क होने तक। 3 से 4 मिनट बाद हमारी सूजी जो है वो तैयार है, पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। माशाल्लाह बहुत गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है, लाइट ब्राउन। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।